मेरी ताबीर जो है उसको गौर से सुन लीजिए। मेरे नजदीक ذات باری تعالی में कोई तनज्जुल नहीं हुआ, यह बहुत बड़ी अल्लाह की जनाब में एक बड़ी गुस्ताखी है जिन्हें हमारे यहां तनज्जुलात से ताबीर किया गया है कि ذات واحد ذات باری تعالی ही ने तनज्जुल इख्तियार किया है। معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, वो तो वराउल वरा है ثم वराउल वरा है, इससे कि वो तनज्जुल इख्तियार करे। हुआ क्या है? कुरान कहता है कि एक लफ्ज कुन है जिससे कि इस कायनात की तखलीक हुई। अल्लाह ताला के उस एक हर्फ कुन ने सबसे पहली शक्ल जो इख्तियार की है वो वही पार्टिकल्स हैं नूर के, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये खुनक नूर का दौर है जिसमें कि हरारत नहीं थी, गर्मी नहीं थी, ठंडी रोशनी, एक बसीत नूर था कि जो उस हर्फ कुन के जरिए से वजूद में आया है। ये जो दौर है खुनक नूर का, जहन में रखिए, इसमें अभी हरारत नहीं है, इसमें गर्मी नहीं है, जो भी है अंदर पोशीदा है उसके, वो बाद का मरहला आएगा जब मैं अर्ज करूंगा। उस खुनक नूर के दौर ही में दो चीजें अल्लाह ने इससे पैदा की जो साहिब शऊर और साहिब तशखुस है। एक अरवाह इंसानिया, वो भी नूरानी है, इस नूर से बनी। दूसरे मलाइका, वो भी नूरानी है और इस नूर से बने। और यहां पर मैं वो चीज जोड़ दूं कि जो हमारे यहां मंसूब तो है बरेलवियों की तरफ कि वो इससे ज्यादा शगफ रखते हैं और बयान करते हैं, लेकिन मैं भी उसको तस्लीम करता हूं कि इसमें हरगिज कोई खलल वाकई नहीं होता है हमारे एतकादात के अंदर और हमारी जो भी तौहीद का तस्वुर है। अगर यह माना जाए कि सबसे पहले अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पैदा किया, क्योंकि इब्तदाई मरहला यही है, ये खुलक नूर का दौर है, जबकि अभी ना कोई नारी कुर्रे थे, न कहीं अभी कहीं किसी तरह की खाक वगैरह का कोई मसला था। इस कायनात में अल्लाह ताला के हर्फ कुन ने एक खुनक रोशनी की शक्ल इख्तियार की थी, उससे पैदा की गई अरवाह इंसानियां, उन्हीं में एक रूह रूह मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर सबसे पहले अल्लाह ने उसी को बनाया हो तो इसमें कोई हरज वाकई नहीं होता, वो भी मखलूक है, वो भी अल्लाह के बनाने से वजूद में आई है, सिर्फ एक तकद्दुम ज़मानी उसे हासिल है कि सबसे पहले अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रूह मुबारक को उस नूर से पैदा किया। लेकिन उसी नूर से तमाम इंसानों की अरवाह पैदा की गई और उन्हीं से वो अहद लिया गया था लस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, और उसी नूर से मलाइका पैदा किए गए हैं जिसके बारे में हदीस में आपको बता चुका हूं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से बरवी है हुजूर का यह कौल कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। इसके बाद तनज्जुल का मरहला आता है। अब तनज्जुल किस में हो रहा है? तनज्जुल ذات باری تعالی में नहीं है, माज़ अल्लाह सुम माज़ अल्लाह, ये अल्लाह ताला के एक अमर कुन की जो शक्ल हुई है दर हकीकत अब उसमें तनज्जुल हो रहा है। वो दूसरा तनज्जुल जो है वो ये है कि इस खुनक नूर में बड़े बड़े एक्सप्लोजन हुए और नारी कुर्रे वजूद में आए। ये जहन में रखिए कि एक शय है उसके अंदर कोई हरारत मख्फी है, जाहिर नहीं हो रही। एटम्स है, एटम्स के अंदर बहुत बड़ी एनर्जी है, जाहिर नहीं हो रही। उस खुनक नूर के अंदर भी वो एनर्जी मौजूद थी लेकिन इंसुलेटेड थी, उसका जहूर नहीं था। लेकिन जब एक्सप्लोजन हुए हैं तो फिर यह कि बड़े बड़े नारी कुर्रे वजूद, यही नारी कुर्रे हैं जिनको हम सूरज कहते हैं। बहुत बड़ा नारी कुर्रा है सूरज, इसके अंदर कंबस्शन का अमल चल रहा है, अमल एहराक है, उसकी हरारत का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बड़े और न मालूम कितने सूरज हैं इस कायनात में, ये ना समझिए कि एक ही सूरज है। ये एक सूरज के गिर्द हमारा जो ये है एक सोलर सिस्टम है, कुनबा है उसका, कि उसके गिर्द जो है ये सैयारे चक्कर लगा रहे हैं, कुर्रे हैं, और न मालूम कितने सूरज हैं। फिर एक सूरज है और एक सितारे हैं, उन सितारों के गिर्द ये सूरज अपने कुनबों को लेकर चक्कर लगा रहे हैं। बहरहाल हम यहां पर जो है उसूलन जो बात समझना चाह रहे हैं इस वक्त वो ये है कि ये सेकंड स्टेज है, तनज्जुल है ये, कि अब उस खुनक नूर में जब एक्सप्लोजन्स हुए हैं तो वहां से बड़े बड़े नारी कुर्रे वजूद में आए। ये एक्सप्लोजन का मैं जानबूझ कर बोल रहा हूं इसलिए कि जदीद साइंस में, जदीद फिजिक्स में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, द बिग बैंग थियरी, उसका नाम ही है द बिग बैंग थियरी, कि ऐसा मालूम होता है कि एक वक्त में कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे कायनात वजूद में आई। अब ये धमाका जो है बिग बैंग थियरी जो है, या तो ये है कि इसको ताबीर किया जाएगा उस हर्फ कुन से, कुन वो कुन कैसा होगा जिसने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, उसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये हम कह रहे हैं कुन, लेकिन अल्लाह का वो कलाम जब साबिर हुआ हो और हुक्म रब्बी अमर कुन जो है उसकी क्या कैफियत होगी,
तो या तो बिग बैंग जो है या तो उससे ताबीर किया जाए, और या ये कि जो ये एक्सप्लोशंस हुए हैं उस खुनक नूर ने जो नारी कुर्रों की शक्ल इख्तियार की है, तो ये बिग बैंग है, ये धमाका है। ये दौर है कि जिसमें इस आग से अल्लाह ने तीसरी मखलूक पैदा की। मैंने अब पहले दो कर दिए ना, नूर से दो मखलूक, इंसानी अरवाह और मलाइका। दूसरी स्टेज पर ये तीसरी मखलूक पैदा हुई है, जिन्नात है, ये आग से बनाए गए हैं। कुरान बार बार कहता है वलजान खलकनाहु मिन कब्ल मिन नारिस समूम, कुरान मजीद में सूरह रहमान में भी है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है मिट्टी से, लेकिन यह कि इंसान को बनाया है आग की लपट से, बार बार आया है ये मजमून तो कुरान मजीद में। और जिन्नों का मामला जो है, और ये कि सूरह हिजर में फरमाया गया वलजान खलकनाहु मिन कब्ल, ये पहले पैदा हुए इंसानों से, लिहाजा ये दूसरी स्टेज है जिसमें कि जिन्नात की तखलीक हुई है उस आग की लपट से। इसके बाद जैसा कि आपको मालूम है, इस हद तक तो मैं समझता हूं कि आगे अक्सर लोगों के इल्म में है जिन्होंने भी कुछ फिजिक्स पढ़ी है इब्तदाई, कि फिर नजरिया ये है कि ये जो बड़े बड़े नारी कुर्रे थे, ये जब तेजी के साथ हरकत में थे तो इनसे कुछ हिस्से टूट टूट कर इनसे अलहदा हुए और इन्हीं के गिर्द चक्कर लगाने लग गए। ये है दर हकीकत इन सूरज के गिर्द जो ये सैयारे वजूद में आए हैं, ये कुर्रे जो हैं। फिर ये ठंडे होने शुरू हुए, और इनमें जब ठंडा हुआ है वो नारी कुर्रा, तो ऊपर जो है क्रस्ट आया, राख, जैसे अंगारे के ऊपर राख आ जाती है, राख ठंडी होती है, अंदर अंगारा मौजूद है, जरा सी राख हट जाए अगर और आपकी उंगली जो है उस अंगारे को टच कर जाए तो जलेगी, लेकिन अगर राख ऊपर है तो वो आपको महसूस नहीं होगा। और चूंकि ठंडी चीज सुकड़ती है, लिहाजा इसके अंदर अब दराड़ें पड़ी हैं, कहीं पहाड़ बन गए कहीं गारे बन गई, साथ ही इनके ठंडे होने की वजह से बुखारात निकले हैं, इन्हीं में से निकले हैं, इन्हीं कुर्रों में से बुखारात निकले हैं। ये बुखारात हैं जिन्होंने ऊपर जाकर वो जो हम जिसे हम फिजा कहते हैं, एटमॉस्फियर, जिसके अंदर गैसेस हैं, ये यहीं से इन्हीं कुर्रों के ठंडे होने से वो बुखारात निकले हैं। जैसे कि आप अब अगर पानी डालते हैं आग के ऊपर तो वो एक भाप बन के उड़ती है, तो खैर ये तो पानी आपने डाला है, लेकिन ये कि फिजाई वो जो कुर्रे थे आग के, वो खुद ठंडे हुए हैं तो उनमें से बुखारात निकले हैं, उनमें से जो गैसेस खारिज हुई हैं उन्होंने एटमॉस्फियर बनाया है। फिर उस एटमॉस्फेरिक चेंजेस वहां हुई हैं कि उसमें गैसेस थी, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, वहां पानी बना है, बिजली के बड़े बड़े जब हुए हैं उनके अंदर तो उससे पानी बना है, और फिर धुआंधार बारिश बरसी है, बारिश बरसी है। अब जो हमारे यहां ये जो आदाद आते हैं, लाखों बरस तक बारिश ही बरसती रही, नतीजा ये हुआ कि जो जगह नशे भी थी उनमें पानी भर गया, समंदर वजूद में आ गए। अब जहां समंदर और मिट्टी का बाहमी रब्त था, ये जो दलदली इलाके कहलाते हैं, यहां वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की शक्ल इख्तियार की, यहां से हयात अर्जी का आगाज हुआ। वो हयात नबाताती भी है और वो हयात हैवानाती भी है, यहां से उसका आगाज हुआ। गोया कि कुल हैवानात और कुल नबातात जो कुरे अर्जी पर मौजूद हैं, वो सब के सब दर हकीकत इसी क्रस्ट ऑफ द अर्थ से वजूद में आए हैं। पानी और इस मिट्टी का इम्तिजाज और दलदल की शक्ल उसका बन जाना, और वहां से इन ऑर्गेनिक के बजाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजूद में आना और उससे हयात का आगाज, खा वो नबाताती हयात हो और खा वो हैवानाती हयात हो। इस हयात का इर्तिका है कि जो फिर इंसान तक पहुंचा है, वो इस हयात, समझिए कि हयात अर्जी, चाहे नबाताती हो और चाहे हैवानाती हो, उसकी चोटी की जो शख्सियत है वो इंसान है। क्योंकि कुरान मजीद भी यही कहता है, इंसान को मिट्टी से बनाया, कहीं कहता है मिट्टी तुराब से बनाया, कहीं कहता है तीन से बनाया, तीन गारे को कहते हैं, गारा जब मिट्टी के अंदर पानी मिला के गूंद दिया जाए तो गारा बना, कहीं कहता तीन इन लाजिब से बनाया, वो गारा अगर पड़ा रहे तो उसमें चिपचिपाहट पैदा हो जाती है, खासतौर पर ऑर्गेनिक अगर आप उसमें मटेरियल डाल देंगे तो, जैसे कि पुराने जमाने में लीपने पोतने के लिए वो तगार तैयार किए जाते थे तो मिट्टी जो है उसमें तूड़ी मिला देते थे ताकि उसके अंदर जो है वो तबखीर का अमल हो, और उसके नतीजे में फिर वहां पर जो है वो लेस पैदा होता है ताकि फिर अगर आप उससे प्लस्तर करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, अगर वैसा गारा होगा तो उससे प्लस्तर करेंगे तो क्रैक हो जाएगा। तो ये लेस तीन इन लाजिब, फिर कहीं कहा गया है कि वो सूख कर खनखनाने लगा, मिन हमाइन मसनून, इसको अगर आप देखेंगे जाकर तो दलदली इलाकों के अंदर ऊपर ऐसी सतह बन गई होती है कि जैसे बिल्कुल वो फ्लेक्स हैं
और प्लेटें पड़ी हुई हैं टूटने वाली और बजने वाली खनकने वाली। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज जो कुरान मजीद ने इस्तेमाल किए हैं उनका बड़ा करीबी एक ताल्लुक है इन तमाम चीजों के साथ। अब यहां से जो इंसान बना है, और ये मैं अर्ज कर चुका हूं इससे पहले सूरह नूह में भी, चूंकि ये मजमून आ चुका है, वल्लाहु अंबतकुम मिन अल-अर्ज नबाता, अल्लाह ने तो तुम्हें उगाया है जमीन से जैसे उगाया जाता है। तो ये जो एवोल्यूशन ट्री है इसमें असल शय है अम्र रब, जब भी चेंज आई है अल्लाह के हुक्म से आई है। यही अम्र रब डार्विन को मालूम नहीं, इसी की तलाश के अंदर उसने वो थ्योरी बनाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और फिर ये कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का थ्रू हेरिडिटी जो है मुंतकिल हो जाना अगली नस्ल को, और उसके एक्यूमुलेशन से नई एक नौ का वजूद में आ जाना, ये पूरा फलसफा है डार्विन का, और ये साबित नहीं हो सका आज तक। अलबत्ता इर्तिका वो मैं अर्ज कर चुका हूं, उसको तो मुसलमानों ने सबसे पहले हुकमा जो है इब्ने मस्कुए और मौलाना रूम सबसे पहले इर्तिका की बात करने वाले तो वो है। लिहाजा ये जो अमल है इसमें अम्र रब है हर जगह पर कि जिसने के काम किया है एक से दूसरी चेंज में, लेकिन नतीजा क्या हुआ है, हैवान इंसान वजूद में आ गया। ये इंसान नहीं है, हैवान इंसान है। इंसान तब बनता है जब वो पहली स्टेज की रूह इस इंसान के साथ, हैवान इंसान के साथ लाकर मिलाई जाती है, तब इंसान वजूद में आया है। यह है दर हकीकत जो एक आंख बंद है जदीद साइंस की और जदीद फिक्र की और जदीद फलसफे की, वो इससे वाकिफ नहीं। वो हैवान इंसान को जानता है, होमोसेपियन से वाकिफ है, उसके इर्तिका की बहस कर रहा है। हमारे नजदीक इंसान दर हकीकत सिर्फ हैवान नहीं है, हैवान इंसान होमोसेपियन उसका बायोलॉजिकल नेम आप रख दीजिए, वो चाहे इस इर्तिका के अमल से वजूद में आया हो लेकिन वो रूह जो इसमें फूकी गई है, फैजा सवै तो हूं व नफक तो फी है रूही फकाऊ लहू साजिदीन, तो जब मैं इसको पूरी तरह तैयार कर लूं, नोक पलक संवार दूं और इसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो गिर पड़ना इसके सामने सजदे में। तो दर हकीकत मकाम जो है इंसान का, उसकी जो अजमत है, उसकी जो बुलंदी है, उसकी जो रिफत शान है, वो जो मस्जूद मलाइक बना है, तो इस हैवानी वजूद की बुनियाद पर नहीं बल्कि दर हकीकत उस रूह रब्बानी की बुनियाद पर जो उसमें फूकी गई। ये है सारा थीसिस, इसको अच्छी तरह समझ लें। इसमें सारी चीजें फिट बैठ गई, साइंस के साथ हर स्टेज पर कोरिलेशन है, नंबर दो कुरान के साथ कहीं कोई तसादुम नहीं है। वो आग से बनाए गए, ये खाक से बनाए गए, इंसान का चूंकि ये जाहिरी वजूद जो है जिस्मानी वो तो खाक से बना, मिट्टी से बना, पानी से बना, यही अनासिर अरबा जो है इसके अंदर लगाए गए हैं। अलबत्ता जो इंसान का असल मकाम है वो रूह की वजह से है। अब इसको जान लीजिए कि चूंकि ये मैं सूरह रहमान के दर्स में तफसील से वादे कर चुका हूं, इसलिए कि मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब ने उस मकाम पर बड़ी जबरदस्त ठोकर खाई है। हमारा इजमाई अकीदा रहा है सल्फ में कि जिन्नात पर वही नहीं होती, जिन्नात में कोई नबी नहीं होते, न कभी हुए हैं, और वो भी ताबे होते हैं जो इंसानों में नबी और रसूल आते रहे, और इन दोनों मकामा से भी साबित हो जाएगा। ये मैं तो हैरान हूं कि इस्लाही साहब ने इतनी बड़ी ठोकर कैसे खाई है, लेकिन बड़ा आदमी जब ठोकर खाता है तो बड़ी ही खाता है, फिर वो छोटी ठोकर नहीं होती। तो ये हमारा इजमाई अकीदा है और 100% दुरुस्त है। उसकी वजह क्या है कि दर हकीकत जिन में रूह नहीं है, वो रूह वो तो उस पहली स्टेज की शय है, जबकि जिन्नात की तखलीक सेकंड स्टेज पर हुई है, वो महज नारी है, लेकिन इंसान महज खाकी नहीं है, खाकी जमा नूरी है, इसके अंदर वो जो रूह जो है वो तो नूरी है। आदमी ज्यादा तुरफा माजूनस अस फरिश्ता सरिश्ता वज है, वहां बड़ा प्यारा शेर सैकड़ों बरस पहले कह गए शेख सादी, या आदमी ज्यादा अजीब माजून मुरक्कब है, इसके अंदर दो चीजें हैं, हैवान भी है फरिश्ता भी है। अब देखिए किस कदर सही शेर है, हैवान इंसान मिट्टी से बना है, वो हयात अर्जी की एक शय है, इर्तका याफ्ता शक्ल है, लेकिन यह कि जो वो असल रूहानी वजूद है उसका, वो फरिश्तों का हम पल्ला है, हम सर है, बल्कि फरिश्तों से अफजल है, इसलिए कि फरिश्तों को तो उनके सामने झुकाया गया है। इस एतबार से कुरान का पूरा फलसफा, मस्जूद मलाइक इंसान क्यों बना, अच्छा जिन्नों को नजर नहीं आई वो रूह ना उन्होंने उसे पहचाना, इबलीस भी चूंकि जिन था लिहाजा उसको नहीं देख सका, वो उसके इल्म में नहीं है, लिहाजा उसने इंसान को जो बनजर हकारत देखा है वो इस वजह से ये मिट्टी से पैदा किया गया, उसे उसका दूसरा वजूद नजर ही नहीं आ रहा। उससे जब कहा गया सजदा करो उसने साफ कहा खलक तनी मिन नारिन व खलक तहू मिन तीन,
मुझे तूने आग से बनाया, इसे मिटाया गारे से, मैं आला हूं, अफजल हूं, अना खैरुम मिन हूं, मैं इससे बलंतर हूं, आला हूं, मैं बेहतर हूं, मैं कैसे सजदा करूं इसको। इस दर्जे में बात सही थी उसकी। अगर सिर्फ वजूद हैवानी सामने होगा तो जिन सही कह रहा है वह आला तर वजूद का हामिल है, वह आग से बना है, उसके अंदर ज्यादा लताफत है, वह इस कायनात में दूर दूर तक जाता है जहां हम नहीं जा सकते। हम तो कोई रॉकेट्स बनाएं, ये बनाएं, करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करें तो कहीं कुछ दूर तक की सैर करके आए, वो भागे फिरते हैं, यहां जाते हैं दूर दूर तक खबरें लेकर आते हैं। लेकिन उनकी फौकियत हम पर अगर है तो वो जिस्मानी वजूद की बुनियाद पर है, रूहानी वजूद की बुनियाद पर नहीं है। उस रूहानी वजूद की बुनियाद पर हम अफजल हैं, न सिर्फ उनसे अफजल है, मलाइका से अफजल है, अपनी खिलकत के एतबार से, अपनी सरिश्त के एतबार से। यही वजह है, दो जगह कुरान मजीद के अंदर इतनी वाज़ह आयत है, सूरह हिजर में भी है और सूरह सवाद में भी है, फैजा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं उसको तैयार कर लूं, बना लूं, सवार लूं, नोक पलक दुरुस्त कर दूं और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं, तब गिर पड़ना उसके सामने सजदे में। तो असल में हैवान आदम को सजदा नहीं हुआ है, उस रूह के साथ जब आदम के अंदर फूकी गई है जिसका मकाम बहुत बुलंद है, उस इंसान को, आदम को सजदा किया गया जिसमें वो रूह फूंक दी गई। अच्छा, अब ये बात नोट कीजिए कि मैंने जो ये तीन लेवल्स आपके सामने रखे, ये चूंकि जो कुछ मैंने आज तक समझा है इस मेटाफिजिक्स में, मेटाफिजिक्स ऑफ कुरान एंड मेटाफिजिक्स ऑफ साइंस, इन तमाम के दरमियान, इसी का नाम इल्मे कलाम है। हर दौर में आपको उस दौर की इल्मी सतह जो है उसके साथ एक ताल्लुक और रब्त कायम करना पड़ेगा कुरान और सुन्नत का, तब वो उस दौर के इंसान के लिए काबिल कबूल होगी, काबिल फहम होगी। अगर वो आप रब्त कायम नहीं करते, एक गैप रहेगा जो सेंचुरीज गैप चला आ रहा है। उलमा की बातें लोगों की समझ में इसीलिए नहीं आती कि वो तो बात करते हैं वही अरस्तू की मंतिक की बात करते हैं, वो तो वही अकूल अशरा और नौ अफलाक की बात कर रहे हैं, वो सारा का सारा फलसफा उसी के ऊपर बैठा हुआ, लिहाजा वो बात आज किसी के समझ में नहीं आएगी। जबकि आप इसका अगर एक रब्त ताल्लुक जो है उस जदीद जो नजरियात के साथ कायम कर दें, लेकिन डटे रहे कुरान के साथ, कुरान के किसी शय के साथ तसादुम ना होने पाए। अगर कहीं हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि कुरान सही है और साइंस गलत है। हो सकता है कि अभी और साइंस तरक्की करे तो वो वहां तक पहुंच सके जहां तक कि हमें कुरान पहुंचा रहा है। जैसे मैं आसमानों के तस्वुर के बारे में बार बार कहता हूं, जब इतना रिपीटेडली कुरान में आया है कि सात आसमान है, तिबाका है, एक दूसरे के ऊपर है, तो ऐसा ही है। आज तक हम नहीं समझ सके, कोई हर्ज नहीं। आज से 200 साल पहले हम और बहुत सी बातें नहीं समझे थे, हमें एटम का स्ट्रक्चर ही मालूम नहीं था, हम यही नहीं समझ सकते थे कि कुल्लुन फी फलकिन यसबहून के क्या मानी है, कि हर शय तैर रही है। यहां तो सबात एक तगैयुर को है जमाने में, सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में, छोटे से छोटे जर्रे के अंदर भी आप देखेंगे कि उसका एक न्यूक्लियस है और उसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं। कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, आप चाहे अजराम समाविया तक पहुंच जाएं, सूरज और उसके इन कुर्रों को ले लें, तब भी वो हर चीज तैर रही है। सूरज भी खड़ा नहीं है, सूरज भी तैर रहा है। कोई और कोई सितारा और स्टार है जिसके गिर्द सूरज चक्कर लगा रहा है, कभी हमने ये समझा कि सूरज खड़ा हुआ है, कभी हमने समझा सूरज चलता है, जमीन खड़ी हुई है। ये हमारे इल्म के अदवार थे, या यूं कहिए इल्म के नहीं जहालत के अदवार थे। लेकिन आज इल्म इंसानी यहां तक पहुंच गया कि कोई शय खड़ी नहीं है, हर शय तैर रही है। अब मालूम हुआ कुरान मजीद में एक से ज़ाइद जगह पर आया, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर शय अपने मदार के अंदर अपनी सतह के ऊपर तैर रही है। इसी तरीके से वक्त आएगा कि जबकि हमें मालूम होगा कि यह बात थी जो आज हमें मालूम हुई, जो कुरान सात आसमानों के हवाले से बार बार कहता है। तो जहां साइंस जो है वो हमें कुरान मजीद से टकराती भी महसूस हो, वहां हमारा मामला यह होगा कि हम कुरान पर ईमान को भोकम रखेंगे। हम समझेंगे ये आयत मुतशाबिहात में से है, इसका मफहूम अभी हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा ईमान आमन्ना बिही कुल्लु मिन इंद रब्बिना, ये पूरा कुरान मुतशाबिहात हो या मुहकमात हो हमारे रब की तरफ से है, हम सब पर ईमान रखते हैं। और लेकिन जहां जहां वो तत्बीक होती चली जा रही है, इंसानी इल्म ने जो भी आगे एडवांस किया है, आगे बढ़ा है इल्म, और वाकया यह है कि आदमी को चक्कर आता है, करोड़ों मील का सफर करके आपका एक रॉकेट जा रहा है और सेकंडों का फर्क भी नहीं पड़ता है, कितनी रातें गुजर गई, कितने साल गुजर गए, 11 साल के अंदर वो पहुंचा था वहां, जो आखिरी हमारा इस जो कुनबा है सूरज का, उसका जो सबसे आउटर आउटमोस्ट जो है
उस तक पहुंचा है 11 बरस में, सन 77 का चला हुआ, सन 88 में पहुंचा है। लेकिन पूरा हिसाब किताब सही सही जो यहां पर बैठकर कैलकुलेट किया गया था उसी के मुताबिक वो वहां पहुंच गया। तो ये इंसान की तरक्की जो है ये यूं समझिए कि स्टैगरिंग इंसान का चक्कर आता है कि कहां तक इंसान पहुंच गया है। अब इस इल्म को आप नजरअंदाज किए रखें, इससे कोई गुफ्तगू ही ना हो, वो बस और आप चलते रहे, वही पुराने मुफस्सरीन ने जो कुछ कह दिया, वो पुराने मुफस्सरीन वो खाइन नहीं थे, बददयानत नहीं थे, लेकिन क्या करते, उनके पास मालूमात का जखीरा ही नहीं। अभी वो मालूमात का इतना लंबा चौड़ा जखीरा उनके पास मौजूद ही नहीं, जो कुछ था उसी के ऊपर वो काम कर रहे थे। तो साइंटिफिक मामलात में समझ लीजिए मेरी अब तक की सोच का जो हासिल है वो मैंने आज आपको बताया है। अव्वल तो मैं शदीद इख्तलाफ कर रहा हूं तनज्जुलात का जो फलसफा है अहले तसव्वुफ के यहां, वो तनज्जुलात जात करार देते हैं, जात बारी ताला के तनज्जुलात है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। हां ये तनज्जुलात का सिलसिला जो तनज्जुलात सित्ता कहा जाता है कहीं कुछ और, लेकिन मेरे नजदीक ये तनज्जुलात तीन है, तीन लेवल्स हैं इसके। और ये तनज्जुलात जो है दर हकीकत अल्लाह के उस अमर कुन से जो शय वजूद में आई है, अव्वलन वो एक खुनक नूर था, वो भी एक शय है, एक खारजी हकीकत रखने वाली शय है। उस मरहले पर दो साहिब शऊर साहिब तशक्कुस हस्तियां पैदा की गईं, अरवाह इंसानिया और मलाइका। और इनमें जैसा कि मैंने अर्ज किया कतअन कोई चीज तौहीद के मुनाफी नहीं है अगर यह बात मानी जाए कि सबसे पहले जो पैदा किया गया वह नूर मोहम्मदी है, यानी रूह मोहम्मदी। नूर मोहम्मदी दर हकीकत रूह मोहम्मदी का नाम है, इसलिए कि रूह जो है नूरी उल असल है। वो जो इकबाल ने कहा है एक नुक्ता नूरी ये जो है खाक के अंदर पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है, है ज़ौक़े तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो निरा साहिब इदराक नहीं है। तो ये जो हमारा शऊर है मैं दर हकीकत उस रूह की बुनियाद पर है, और वो रूह जो है नूरी उल असल है, मेरी भी आपकी भी, अगर अच्छे वो नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह का जो मामला है हम वैसे अगर कहेंगे तो कहां हम और कहां वो, जमीन व आसमान का फर्क है। हमारा वो नूर जो है हमारे नफ्स की जुल्मानियत के अंदर गुम हो गया, और वहां वो जो नूर है वो अपने नफ्स के ऊपर ऐसे गालिब है कि हुजूर ने जैसे कि फरमाया कि शैतान तो मेरे साथ भी है लेकिन मैंने उसे मुसलमान बना लिया है, जबकि हमारा शैतान हम पर हावी है। हमारा वो टिमटिमाता हुआ चिराग जो है कभी कभी उसकी कोई हमें कोई रमक जो है वो कभी महसूस होती है। ये बड़ा प्यारा जुमला है इब्ने सीना का, बड़ा प्यारा जुमला है। जाहिर बात है फलसफी थे और उनकी बहुत सी बातों से हमें इख्तलाफ है, लेकिन यह कि बहुत सी बातें उनकी बड़ी बुलंद भी हैं। ये जुमला नोट कराया था हमें मौलाना मुंतखब उल हक साहब मरहूम ने, जो एक मरतबा हमारे यहाँ मुहादरात में भी आए थे, मेरे उस्ताद थे जब मैं एम ए इस्लामियात कर रहा था कराची। तो उनका जुमला था, पूरा तो मुझे अब याद नहीं है, कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें भी अनवार रब्बानी से कोई हिस्सा मिले फजाहिद फी खलवातिक, तो अपनी खलवतों में तन्हाइयों में मुजाहदा करो, मुराकबा करो, इर्तकाज तवज्जो करो, फलाअल्ला शाशातुन तलमाउलक, हो सकता है कभी कोई एक किरण चमक उठे, कभी अल्लाह ताला की तजल्ली का कोई एक हमें भी हिस्सा मिल जाए, बड़ी रियाजत है। और वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की रूह जो है वो हर वक्त मुतजल्ली है अनवार इलाहिया के साथ, ये दूसरी बात है। लेकिन अपनी असल के एतबार से तमाम इंसान की अरवाह जो है नूरी नस्ल है, उसी नूर से पैदा हुई है, लेकिन सबसे पहले नूर मोहम्मदी या रूह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया गया, साथ ही मलाइका है। फिर ये तनज्जुल का दूसरा मरहला आ रहा है, अब खुनक नूर में बड़े बड़े एक्सप्लोजन के जरिए से, और गालिबन बिग बैंग जो है वो जो भी कुछ देखा है। मैंने कई मरतबा बात कही है कि ये जदीद फलसफी हो या जदीद साइंसदान हो, इनकी जहां तक एक्विटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है, बड़ी एक्यूट ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने गौर बहुत किया है, सोचा है, तो बहुत चीजें उन्होंने देखी। अगरचे उनकी ताबीर तौजीह और उनमें क्या रब तो ताल्लुक है इसमें ठोकरें खा गए। फ्राइड की अजमत का मैं कायल हूं कि उसने इंसानी शख्सियत के तीन लेवल मुआयन कर लिए, ऑब्जर्व किया है कि इंसान के अंदर तीन लेवल्स हैं, एक सबसे नीचे है इड और लिबिडो, उसके हैवानी तकाजे, उससे ऊपर है उसका सेल्फ खुदी, उससे ऊपर ईगो उसे कहता है वो, और उसके ऊपर है सुपर ईगो। तीन लेवल, मैं समझता हूं यही तीन लेवल है जो हमें हमारा दीन बताता है, नफ्स कल्ब और रूह। अलबत्ता यह कि उसकी ताबीर कुछ और है,
وہ سپر ایگو کو سمجھتا ہے کہ وہ معاشرے کے زیر اثر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ اثرات ہوتے ہیں جو انسان کو ہانٹ کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر، سپر ایگو جو ہے اس کے ایگو کے اوپر مسلط رہتی ہے، اسے پریشان کیے رکھتی ہے. ہمارے نزدیک وہ روح ہے در حقیقت، جس کے اندر ایک جو ارج ہے وہ اللہ کی طرف توجہ کی ارج ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ارج ہے، وہ انسان کو اوپر اٹھانا چاہتی ہے. یہ نفس امارہ جو ہے، حیوانی وجود، یہ انسان کو نیچے کھینچ رہا ہے، پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پست خواہشات اور زمینی تمناؤں اور آرزوؤں کے اندر گرفتار رکھتا ہے. درمیان میں وہ قلب ہے، اگر اس قلب کے اوپر یہ اڈ یا لیبیڈو جو ہے یہ غالب آ جائے تو انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا، اس کا انسان مر گیا. اگر روح غالب ہو گئی تو کیا کہنے ہیں، پھر یہ ہے وہ شے جو مطلوب ہے، روح غالب رہے تو گویا کہ اب روح مرکب ہے اور یہ نفس جو ہے یہ گھوڑے کے مانند ہے جس پر سواری کر رہا ہے. یہ میں نے عظمت صوم میں بھی یہ سارے مضامین بیان کیے ہیں، حقیقت انسان میں بھی. بہرحال میں نے جو تین لیولز معین کیے ہیں، ان میں سے پہلا لیول جو ہے نور، ملائکہ، ارواح، یہ عالم امر ہے، اور دو لیول نار والا، ناری کرو کا، اور یہ خاک اور زمین کا، اور زمینی حیوانات اور زمینی نباتات، اور انہی میں سے ایک انسان، یہ عالم خلق ہے. عالم امر میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، روح کو کوئی وقت درکار نہیں ہے یہاں سے کروڑوں مل جانے کے لیے، کوئی وقت درکار نہیں، نہ روح کو نہ فرشتے کو، کوئی وقت درکار نہیں. یہ عالم امر ہے، اس کی شان یہ بیان ہوئی ہے، انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون، نو ٹائم ایلیمنٹ واٹ سو ایور. اور یہی عالم امر ہے جس میں کہ فرشتے اور روح انسانی کا ایسا ربط ہوتا ہے، فرشتہ وحی لاتا ہے تو روح ہے در حقیقت نبی کی اور رسول کی جو اسے ریسیو کرتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فضا کے اندر اس وقت جو بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے ریڈیو کی، ٹیلی ویژن کی، وہ تو فضا میں موجود ہے. آپ کے پاس بھی تو ایک آلہ ہونا چاہیے جو اسے کیچ کرے. آپ کے ریڈیو ہے، ریڈیو میں والف لگے وہ اسے کیچ کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن ہے اس میں وہ میکینزم ہے جو کیچ کر رہا ہے، فضا میں تو ہے. تو دو چیزیں ملتی ہیں. تو ملائکہ کی طرف سے لائے جانے والے پیغامات، ان کو کیچ کرنے والا انسان میں جو حصہ ہے وہ روح ہے، وہ یہ انسان کے یہ جسمانی وجود نہیں ہے، یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہ کان نہیں ہے، بلکہ براہ راست قلب جو مسکن ہے روح کا، وہ ہے محبت وحی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی جبریل نے تو اس کو نازل کیا آپ کے قلب پر. یہ در حقیقت محبت وحی جو ہے وہ یہ کان نہیں ہے، کان سے نہیں سنتے تھے حضور وحی کی آواز، وہ تو در حقیقت براہ راست بغیر آنکھوں یا کان یا حواس ظاہری کے کوئی وساطت کے براہ راست قلب کے اوپر نزول ہوتا تھا. اور یہی وہ شے ہے جو جنات میں نہیں ہے. لہذا جنات میں کوئی وحی نہیں، جنات میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں. جنات بھی انسانوں میں جو انبیاء اور رسول آتے رہے انہی کے تابع ہیں.